ये प्लान दोनों भाइयों के लिए बनाया गया 54 फीट बाई 30 फीट प्लॉट के ऊपर। प्लॉट में आपको मिलेगा 2 बेडरूम, 1 स्टडी रूम, पोर्च, किचन, कॉमन टॉयलेट, अटैच टॉयलेट, डाइनिंग एरिया, सिटिंग एरिया, बाइक पार्किंग एरिया और एक कॉमन स्टेयरकेस, और यही सब कुछ मिलेगा फ्लैट बी में। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इस ड्राइंग को अरेंज किया गया। इस ड्राइंग में आपका एंट्रांस यहाँ से होगा स्टेयर के नीचे से, यहाँ पर होगा मेन डोर। इस डोर का साइज़ है 4 फीट और इस स्टेयरकेस का फर्श ज़मीन से 1 फीट की ऊंचाई पर है और आपका घर का फर्श ज़मीन से 2.5 फीट की ऊंचाई पर है, इसलिए यहाँ पर मैंने 5 राइजर दिए। यहाँ पर है 2 राइजर यानी 1 स्टेप और अंदर आते ही यहाँ पर आपको और 3 राइजर यानी 2 स्टेप दिखाई देंगे। ये दोनों स्टेप कवर करते ही आपको मिलेगा स्टेयरकेस का लॉबी और दाहिने तरफ फ्लैट ए का डोर और बाईं तरफ फ्लैट बी का डोर। और इस स्टेयरकेस के नीचे ही आप 2 बाइक आसानी से पार्किंग कर सकते हैं क्योंकि इसकी चौड़ाई है 8 फीट 2 इंच। इस प्लॉट में मैं सिर्फ आपको फ्लैट बी दिखाऊंगा क्योंकि दोनों सेम टू सेम है और इस स्टेयरकेस के बारे में बाद में बात करेंगे। इस डोर से एंटर करते ही आपको मिलेगा ड्राइंग रूम और इस डोर का साइज़ है 3 फीट 6 इंच। इस ड्राइंग रूम में यहाँ पर है सिटिंग एरिया, यहाँ पर डाइनिंग और इस वॉल के साथ टीवी यूनिट, और ये आपका 1st बेडरूम का डोर और ये 2nd बेडरूम का डोर, और यहाँ पर है 3rd बेडरूम का डोर। इस ड्राइंग रूम का साइज़ है इस डायरेक्शन में 10 फीट 4 इंच और इस डायरेक्शन में 11 फीट 7 इंच। इस डोर का साइज़ है 3 फीट और ये रूम इस डायरेक्शन में 10 फीट 11 इंच और इस डायरेक्शन में 11 फीट 4 इंच। रूम में 2 विंडो है और इस रूम के साथ आपको मिलेगा पोर्च। इस पोर्च का चौड़ाई है 4 फीट 1 इंच और यहाँ पर है आपका स्टडी रूम और ये पोर्च ये दोनों रूम से कनेक्ट होगा। इस स्टडी रूम का साइज़ है इस डायरेक्शन में 10 फीट 8 इंच और इस डायरेक्शन में 9 फीट 2 इंच। रूम में 1 विंडो है। आप देखते हैं आपका 3rd बेडरूम, यहाँ पर आपका 3rd बेडरूम का डोर। इस डोर का भी साइज़ है 3 फीट और ये रूम इस डायरेक्शन में 11 फीट और इस डायरेक्शन में 12 फीट 1 इंच। रूम में 2 विंडो है और इस रूम के साथ आपको भी लगा अटैच टॉयलेट। इस टॉयलेट का साइज़ है 4 फीट 3 इंच बाई 4 फीट 4 इंच। अब इस रूम से बाहर आते हैं और देखते हैं आपका कॉमन टॉयलेट। इस रूम से बाहर आते ही यहाँ पर मिलेगा आपको कॉमन टॉयलेट का डोर और बाई तरफ बेसिन। इस टॉयलेट का साइज़ है इस डायरेक्शन में 4 फीट और इस डायरेक्शन में 7 फीट 2 इंच। और इस टॉयलेट के पास यहाँ पर आपका किचन। इस किचन का साइज़ है 5 फीट 11 इंच बाई 7 फीट 2 इंच। अब देखेंगे आपका स्टेयरकेस। इस स्टेयरकेस का साइज़ है 8 फीट 2 इंच बाई 15 फीट। 15 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। इस स्टेयरकेस में आपका यहाँ से होगा ये आपका फर्स्टाइजर और ये फर्स्टाइजर यहाँ से 3 फीट 6 इंच की दूरी पर स्टार्ट होगा, यानी इस लॉबी का चौड़ाई है 3 फीट 6 इंच और आपका स्टेयर का चौड़ाई है 3 फीट 3 इंच और इस लैंडिंग का भी चौड़ाई है 3 फीट 3 इंच। इस स्टेयरकेस में सिर्फ इस लैंडिंग का 1.5 फीट हिस्सा बाहर रहेगा और इस स्टेयरकेस में टोटल 22 राइजर है। 1 राइजर आपका 6 इंच का होगा तो आपका घर का हाइट होगा 11 फीट। इस घर के फर्श से लेकर रूफ के टॉप लेवल तक